लेकिन फिरौन उस वक्त के बादशाह का नाम नहीं रहता। वो फिरौन एक लड़का होता, वो भी उस जगह में बादशाही करता, उसे फिरौन करके बुलाते थे सभी ने, लेकिन उस वक्त जो बादशाही करता था उसका असली नाम फिरौन नहीं था। उसका असली नाम क्या है? जाते जाते क्या है, रास्ते में गौ माता मरती है,
हरिंदर गो में क्या है, एक तरफ दो औरतें एक अपनी है, पहले बकरियां चलाने का बहुत ज्यादा ये रिवाज नहीं है, तो दो औरतें क्या खड़े थे बकरी को लेकर साइड में खड़ी थी अपने बकरियां को लेकर। इधर क्या है कुआं था, कुएं भी क्या है बहुत अन्या घर को क्या है अपनी बकरियां को पानी मिला रहे थे, दो औरतें को जो किनारे में खड़े थे उनको जाकर मूसा अलैहि सलाम पूछे तुम्हें कहीं भी पड़ी अपने बकरियां को पानी तुम्हें पिलाओ तो तुम ठीक किनारे वैसा कर दो। पूछे उन्होंने क्या बोले वो आदमी जानता है अपनी जगह से हटते नहीं, अभी वो पानी नहीं मिला सकते हैं इनको, तो जो कुएं के ऊपर जो पत्थर लगाए रहते थे वो पत्थर लड़कियां ही खास उठाने नहीं होता, वो तो असर होता उसके आदमी होना इकट्ठा करता, तो हम अपनों क्या बोलते हैं ये हमारे हाथ की होता है पानी पिलाने का, और हमारे घर में कोई भी जवान आदमी नहीं है, हमारी वालिद क्या है बहुत बुजुर्ग आदमी है घर में, तो लड़कियाँ मूसा अलैहि सलाम को, तो मूसा अलैहि सलाम क्या करते हैं खुद जाकर बकरियों को पानी पिलाते हैं, कुएं का पत्थर उठाते हैं निकले, और वो एक इसमें क्या होता है वो पत्थर है पूरे 10-11 आदमी पकड़ को उठे तो भी उठता नहीं, वो मूसा अलैहि सलाम निकले वो पत्थर को हटा को पानी पिलाए पूरे बकरियों को, पानी पिलाने के बाद क्या है तो औरतें अपनी बकरियों को लेकर गए,